हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल हेल्थ विद गुंजन। तो फ्रेंड्स, मेरी कुछ मेंटीज हैं जो बेंगलोर से हैं, साउथ साइड से हैं, और उनको एक प्रॉब्लम आ रहा है कि वो बचपन से इडली डोसा सब कुछ खाते जा रहे हैं और अब उनके लिए इन सबको छोड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो हम हैं तो क्या गम है, तो आप दाल का चिल्ला खाइए, आप दाल का डोसा खाइए, दाल की इडली खाइए। आप इन पे शिफ्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राइस से ही आपको सब कुछ बनाना है। तो आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का डोसा, इसको आप खा भी सकते हैं और वही सेम टेस्ट आपको मिलेगा और अपना वेट भी घटा सकते हैं। तो लेट्स सी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और यहाँ पर डोसा बनाने के लिए मैंने मूंग धुली दाल को ओवरनाइट सोक किया है। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल भीग चुकी है, नरम हो चुकी है, और इसका हम बैटर रेडी कर लेंगे। तो इसमें मिक्सर जार में डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी 2 ग्रीन चिलीज। आप अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो इसका बैटर रेडी हो चुका है, तो इसको मैं बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे मैं फर्मेंटेशन के लिए 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं इसे रात में बनाने वाली हूँ। और देखिए, बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैंने लिए वेजिटेबल्स, कैरेट, बीन्स, कैप्सिकम, टोफू लिया है, और यहाँ पर कैरेट को चॉप कर लिया, कैप्सिकम को भी चॉप कर लिया, बीन्स को भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पर मैं वेजिटेबल्स को हल्का हल्का सॉटे करने वाली हूँ। और तो जितना भी आप ग्रीन चिलीज या अच्छा जिंजर भी इसमें डाल सकते हैं, इसको सॉटे कर सकते हैं। तो इस तरह से वेजिटेबल्स सॉटे हो चुके हैं। इसमें स्पाइसेस ऐड कीजिए, नमक, ग्रीन चिलीज, थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन सीड, और थोड़ा सा मैं रेड चिलीज फ्लेक्स इसमें यूज़ कर रही हूँ, इट्स ऑप्शनल, आप ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्मेंटेड बैटर का डोसा रेडी हो चुका है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं गर्मा गर्म यहाँ पर मूंग दाल डोसा। और यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, ताकि फीका ना लगे। और इसके साथ साथ मैं लेने वाली हूँ चटनी, मतलब प्रोटीन की चटनी बनाएंगे हम। यहाँ पर मैंने यूज़ किया धनिया, पुदीना, मूंगफली, नमक, काली मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा एक खट्टा टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर इसका बैटर रेडी हो चुका है, यहाँ पर चटनी रेडी हो चुकी है धनिया पुदीने की। तो इसे हम खाने वाले डोसे के साथ, तो यहाँ पर पैन गर्म किया है, थोड़ा सा पानी डालकर उसको नॉर्मल किया है। यहाँ पर हम अपने बैटर को, डोसा बैटर को स्प्रेड करेंगे और इसे अच्छे से बनने देंगे। आप सबको डोसा बनाना आता ही है, तो 2 मिनट ये लगते हैं। तो देखिए, ये बन चुका है। अब स्टफिंग आपकी मर्जी है, आप इसमें सिर्फ पनीर भी ऐड कर सकते हैं, मिक्स वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली, मशरूम का इसको सॉटे करके भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3-4 वेजिटेबल्स को सॉटे करा है, उनको ऐड कर दिया है। थोड़ा सा धनिया डालेंगे इसमें, धनिया से अच्छी फ्रेगनेंस भी आती है, टेस्ट भी आता है और काफ़ी हेल्दी रहता है। तो ये देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है, आपको देख पा रहे होंगे किस तरह से इसमें मैं पैन से जब अलग कर रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और क्रिस्पी भी है बहुत ज़्यादा, जो मुझे बनाते टाइम मैं फील कर पा रही हूँ कि कितना क्रिस्पी है ये। चलिए इसको हम प्लेट में अपनी निकाल लेते हैं और इसको हम खाने वाले हैं अपने धनिया पुदीने की चटनी के साथ। इट्स लुकिंग यम्मी गाइस, गाइस टेस्ट करते हैं कैसा बना है और इट्स यम्मी। राइट इन कमेंट्स, आपको कैसा लगा?